आजादी बहुत बड़ी नेमत है। जिस मुल्क में मैं और आप रह रहे हैं, ये मुल्क पाकिस्तान, ये वो वाहिद मुल्क है जिसको एक नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया था। इसी नारे और इसी जज्बे के तहत कुर्बानियां पेश की गई, लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां पेश की। और उस वक्त जिन लोगों ने कुर्बानियां पेश की, जिन्होंने जद्दोजहद की, वो कायदीन थे या अवामुन्नास थे, सबके जहनों में यही बात थी कि ये एक ऐसी रियासत मारज़े वजूद में आ रही है और आ चुकी है कि जिसका मकसद सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का नफाज है, कि यहां हम आजादी के साथ अल्लाह के दीन पर अमल करेंगे और सर उठा के जिएंगे। और जो लोग भी गुलामी की जिंदगी में बसर कर रहे हैं, जो मुसलमान, हम उनको भी आजादी दिलाने की जद्दोजहद करेंगे। ये एक मकसद था जिसका जा बजा मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, मुसव्वर पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान के बानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दीगर उनके रफका ने यही गुफ्तगू की, यही नजरिया दिया, और मुसलमान भी इसी पर खड़े थे और आज तक अल्लाह के फजल करम से इसी पर खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ये रियासत एक इस्लामी फलाही रियासत बननी चाहिए।